बिलासपुर के भक्तों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान भोलेनाथ के भक्त बाबा धाम के लिए बड़ी संख्या में निकले, जो कावड़ लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे। दरअसल हर साल बाबा धाम मतलब बैद्यनाथ धाम के लिए पूरे देश भर से कावड़ लेके कावड़िया निकलते हैं, जो जल लेकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में जल चढ़ाकर मनोकामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ के द्वार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। यही कारण है कि लोग प्रतिवर्ष हजारों नहीं लाखों की संख्या में बाबा के धाम पहुंचते हैं। इसमें से इस बार फिर तोरवा के लोगों ने बाबा धाम की यात्रा की, जिन्होंने कहा कि बाबा धाम की यात्रा करने के लिए अपने आप समय निकल जाता है और बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण पिछले 10 साल से बाबा धाम जाकर दर्शन करते हैं और यही यात्रा निरंतर बना रहे, यही दुआ करते हैं। बताएंगे बाबा धाम की क्या खासियत है जिसके लिए लोग जाते हैं वहाँ? हम लोग सब बाबा धाम में 99 से जा रहे हैं, वहाँ जाने सुख शांति प्राप्त होता है, सुख शांति प्राप्त होता है। क्या मनोकामना है आप लोगों का? वही मनोकामना जो बाल बच्चे अच्छे रहे, हमारे परिवार मोहल्ला अच्छा रहे, करके हम लोग सब जाते हैं, अच्छा अच्छा रहे करके। नाम बताएंगे? नजर लाभ नजर। आएंगे बाबा धाम क्या मनोकामना लेकर जाते हैं, कितने वर्ष हो गया जाते? हम लोग तोरवा से बाबा धाम के लिए ये 12 वर्ष के लिए रवाना होने वाले हैं और अपने घर परिवार एवं पूरे मोहल्ले वाले के लिए मनोकामना एवं अच्छाई और अच्छा भविष्य के लिए कामना के लिए जा रहे हैं। नाम बताएं? मैं संजय कुमार रजक, तोरवा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।